क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये एक चमत्कारी चूर्ण है। चमत्कारी चूर्ण, अभी इसके बारे में बताएंगे आपको, ये किस किस बीमारियों में कैसा काम आता है, पहले जान ले ये है क्या। इसको लेने का तरीका भी बताऊंगा, कैसे लिया जाए, कब किस बीमारी में कैसे लिया जाए, ठीक है। धरती पे तीन ही ऐसे फल हैं जिसमें भरपूर गुण है वात पित्त कफ तीनों का नाश करने वाला कहा जाता है, समझे। पहला है आंवला, हरड़ बहेड़ा, हरे बहेड़ा आंवला। ये भागवत जी कई बार कई जगह पे अपने सूत्रों में बताए हैं कि धरती पर आंवला एक ऐसी चीज है जो वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है, हरड़ ऐसी चीज है जो वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है, बहेड़ा ऐसी चीज है जो तीनों को बैलेंस करता है, ठीक है। तो अगर इन तीनों को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो बन जाता है त्रिफला, ठीक। तो इस त्रिफला का इस्तेमाल आप अनेकों बीमारी को दूर करने में कर सकते हैं, बस ज़रूरत है कि कब सुबह में लेना है, किस बीमारी में, किस बीमारी में शाम में लेना है, किस बीमारी में गुड़ के साथ लेना है, किस बीमारी में पानी के साथ लेना है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि शरीर में तीन ही दोष हैं, वात पित्त कफ, समझे। अगर इन तीनों को बैलेंस कर दिया जाए बीमारी खत्म। और इन तीनों में ऐसे गुण है, हरड़ बहेड़ा आंवला में इन तीनों में ऐसे गुण है जो वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने की ताकत रखता है। अकेला हरड़ भी काम करेगा, बहेड़ा भी काम करेगा, आंवला भी काम करेगा, और इन तीनों को मिलाने का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। तो अभी वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे तीनों को मिलाया जाता है, मैं करके बताकर दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और त्रिफला बाजार में भी मिलता है, तो बाजार वाला काम नहीं करेगा क्योंकि उन लोगों को 2 साल की पैकिंग में चलाना होता है, इसलिए पता नहीं वो किस हिसाब से बनाते हैं कि वो काम नहीं करता है, क्योंकि मैंने इस्तेमाल करके देखा है और करवाए भी हैं, तो वो काम नहीं करता है। आप रॉ मटेरियल बाजार से खरीद कर लाएं और तीनों को निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाएं। अभी किस अनुपात में बनाना है आपको सब दिखेगा अभी वीडियो में। आपको इसे बनाने के लिए तीन चीज़ चाहिए, हरड़ बहेड़ा आंवला। ये देखिए हरड़ है, काला काला सा होता है छोटा छोटा, ये बहेड़ा है, और इस सबको कूट कर बीज इसके निकाल लेने हैं, अलग कर लेने हैं कूट कर, और उसके बाद मिलाने हैं। और ये आंवला है, आंवला भी सूखा लेना है काट कर छोटा छोटा करके। तीनों को अलग अलग पाउडर बना लेना है, ये देखिए हरड़ का पाउडर है, ये बहेड़ा का पाउडर है, और उधर आंवला का पाउडर रखा हुआ है। तो इन तीनों को मिलाना है, ये आंवला का पाउडर है, ये देखिए हरड़ 1 चम्मच ले लिया, अब बहेड़ा 2 चम्मच लेंगे, वीडियो में देखते रहिए। और ये आंवला है, इसको 3 चम्मच लेंगे, 2 हो गए, और ये एक और चम्मच लेंगे, तो 3 चम्मच हो गए, देखिए एक और लिया, 3 चम्मच हो गए। फिर ये हरड़ 1 लेंगे, और फिर बहेड़ा 2 लेंगे, और इसी प्रकार आंवला 3 लेंगे। तो इस तरह से आपका 1 2 3 के अनुपात में त्रिफला रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और देखिए तीनों को मैंने ले लिया है, हरड़ बहेड़ा आंवला। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है, जितना अच्छा मिक्स होगा उतना अच्छा काम करेगा, क्योंकि तीनों को बराबर मिक्स होना ज़रूरी है। अब किसी भी एयर टाइट डब्बा ले लीजिए और उसमें आपको भर कर रख देना है, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। देखकर सीख लिया कैसे त्रिफला बनाया जाता है, अब सीख लो कैसे कैसे किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। त्रिफला बहुत फायदेमंद है, भागवत जी का 120 से अधिक सूत्र है कि सिर्फ त्रिफला पर। भागवत जी का जो 120 सूत्र है, राजीव दीक्षित जी भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताए हैं, हम लोगों को एक सीखा सीख दे कर गए हैं। भागवत जी का जो 120 सूत्र है, उसमें कभी कहीं इसके साथ खाने को बोला, उसके साथ खाने को बोला, कभी गुड़ के साथ, कभी पानी के साथ, कभी गर्म पानी के साथ, तो इसके अनेकों फायदे हैं। और इसमें सबसे अच्छा फल है आंवला,
दूसरे नंबर पे आता है बहेड़ा, तीसरे नंबर पे आता है हरे, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर एक निश्चित अनुपात में बनाया जाता है त्रिफला। ज़्यादातर लोग त्रिफला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको इसका अनुपात नहीं पता रहता है, उनका मात्रा नहीं पता रहती कि कितने मात्रा में कौन सी मिलानी है, कितने मात्रा में लेना है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। आप वीडियो में देख लिए हैं कि कैसे बनाया जाता है, ठीक। अब बताते हैं कौन कौन सी बीमारी में कैसे कैसे काम आता है। त्रिफला को कभी भी एक अनुपात में, सम अनुपात में नहीं बनाना चाहिए। हरे 1:1, बहेड़ा 2:2 और आंवला 3:3। त्रिफला लेने के दो नियम हैं, एक सवेरे एक शाम में। यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर पसंद आती है वीडियो सब्सक्राइब कर लो। आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, बेल आइकन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। बहुत मेहनत से बनती है, आप लोगों को स्वस्थ रखने का एक प्रयास कर रहा हूँ। और आप लोग देखकर स्वस्थ रहिए, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, और नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ से भी जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूं। आप लोगों को कोई क्वेरी भी रहती हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, तुरंत जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर जवाब जल्दी ना मिल पाए तो थोड़ा वेट कर लीजिए, हम भी व्यस्त हैं यार, समझा करो। सवेरे का त्रिफला आपको गुड़ के साथ लेना है, गुड़ या शहद, इन दोनों में से कोई एक चीज़ के साथ लेना। और 1 चम्मच त्रिफला हो और थोड़ा सा गुड़ हो, उसको अच्छे से मिक्स देंगे। मिक्स देंगे तो वो एक लड्डू टाइप का बन जाएगा, एकदम आपस में मिक्स हो जाएगा। और रात को लेंगे आप तो दूध के साथ ले सकते हैं, अगर देसी गाय का दूध मिल जाए तो बेहतर, नहीं तो मिलता नहीं तो दूध अवॉइड ही कीजिए, और नहीं तो गर्म पानी के साथ ले सकते हैं रात को। चीज़ एक ही है, टाइमिंग अलग अलग है, तो ये त्रिफला अलग अलग काम करेगा। अगर रात को आप लेंगे दूध के साथ या गर्म पानी के साथ, तो ये रेचक का काम करेगा, यानी पेट से जुड़ी समस्याओं से दूर करेगा आपको। पेट साफ नहीं होता उसमें काम करेगा, कॉन्स्टिपेशन है लंबे समय से, तो थोड़ा इस्तेमाल करें कि कुछ दिन देखें ठीक होने लगेगा। कितनी भी पुरानी कब्जियत हो, कितनी भी पुरानी 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, ये मिटा देगा। कुछ दिन का इस्तेमाल करने से ये एकदम ठीक कर देगा, समझे। और सुबह में गुड़ के साथ लेते हैं तो ये पोषक है, शरीर को पोषक तत्व प्रदान करेगा। शरीर को विटामिन ए चाहिए, विटामिन बी चाहिए, विटामिन सी चाहिए, B12 चाहिए, D3 चाहिए, और भी जितने किस्म की हैं, B6 चाहिए। सुबह में पोषक का काम करता है, तो ये सारे पोषक तत्व तो आपको मिलेंगे सुबह में। माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, इन सब को प्रदान करेगा। आपको बॉडी में जो जितना चीज़ चाहिए आपको मिलेगा, समझे। सुबह में अगर आप शहद या गुड़ के साथ लेते हैं तो, अगर शरीर को पोषकता चाहिए तो त्रिफला सवेरे लेना है, और पेट को सफाई रखना है तो शाम में लेना है। एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा और फिर बताइएगा, इसी वीडियो में आके कमेंट करिएगा। 50 साल पुरानी कब्जियत हो ना, 30 साल, 50 साल, वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ समय तक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिना इस्तेमाल के आप सोचेंगे आज ही खाया कल से रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा समय दो यार। आजकल यही है, लोगों में होड़ मची है, किसी के पास कोई समय ही नहीं है। पर डे आप 3 से 4 आंवला खा लेते हैं तो आपको बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे मुरब्बा बना खा ले, चाहे अचार बना खा ले, चाहे चटनी बना के खा ले। खाने के कई तरह के हैं रास्ते, अब डिपेंड कि आप कैसे, आपको सहूलियत होती है तो बस खाएं आप। दुनिया में सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंटल का काम करता है आंवला, समझे। ऑक्सीडेशन क्या होती है, शरीर में ऑक्सीडेशन एक क्रिया चलते रहती है, तो उस क्रिया के वजह से ये शरीर के सेल्स का क्षय होता है, तो आप जल्दी बूढ़े होते हो। तो जब सेल्स ही मरने लगेंगे तो हम तो पूरे सेल के बने ही हैं, तो ये ऑक्सीडेशन की क्रिया को न्यूट्रलाइज करता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंटल भी है, तो आपके सेल्स क्षय नहीं होंगे और आप लंबे समय तक जवान, स्लिम ट्रिम दिखते रहोगे। देखो आंवला तो आप पर डे खा सकते हो, साल भर भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि साल भर मिलता नहीं है, सीजन में ही जब मिलता है तब ले लेना, लेकिन त्रिफला जब भी लेना तो कुछ समय तक लेना, मतलब 3 महीने तक लीजिएगा और फिर कुछ दिन गैप कर दीजिएगा, फिर 3 महीने लीजिएगा, फिर कुछ दिन गैप कर दीजिएगा, मतलब 10-15-20 दिन गैप कर दीजिएगा।
उससे क्या होता है कि बॉडी को आदत नहीं लगती। दवाई तो दवाई होता है, ठीक है, चाहे हिंदी दवाई हो चाहे इंग्लिश दवाई हो, दवाई तो दवाई, बॉडी को आदत नहीं लगानी किसी चीज़ की, छोड़ना ज़रूरी है, नहीं तो कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं इसके, इसलिए छोड़ना ज़रूरी है। भागवत जी कहते हैं बार बार, और राजीव दीक्षित जी भी हर व्याख्यानों में, बहुत व्याख्यानों में बताए भी हैं कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार अगर आप लेते हो तो आपको कमज़ोरी होने लगेगी, उल्टा काम करने लगेगा, ठीक है। तो बस लेना यही है, सुबह में एक चम्मच ये त्रिफला लिया और पानी में इस तरह से मिलाया और इसको घोल दिया अच्छे से, ठीक है, घोल दिया। और फिर अगर बेहतर है कि आप इसको गर्म पानी से भी ले सकते हैं, और नहीं तो अगर सुबह में इसको इस तरह से पानी में डालकर फुला दिया और फिर शाम में इसको गुनगुना करके पी लेना है, उबालना नहीं है, गुनगुना करके पी लेना है। और नहीं तो दूध में, गर्म दूध में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूध बेहतर हो, ओरिजिनल नहीं मिलती भाई, तो इसलिए दूध में ना लीजिए, पानी ही ठीक है, पानी हर जगह अवेलेबल है, हैंडपम्प मारो पानी निकलेगा एकदम ताज़ा ताज़ा, ठीक। आंवला मोटापा को भी कम करता है, वजन को भी कम करता है, एक्सेस फैट को भी कम करता है। इसको सुबह में आप गुड़ के साथ लेंगे, शहद के साथ लेंगे जैसा बताया, तो आपका वजन बहुत आसानी से कम होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इसके साथ परहेज भी ज़रूरी है, तली भुनी चीज़ें, मैदा वाली चीज़ें ये सब नहीं लेनी, फ्रूट डाइट, फाइबर वाली डाइट सारी चीज़ें लेनी है, ताकि कोलन आपका अच्छे से साफ हो, पेट अच्छे से साफ होने लगे। वज़न कम करने के लिए बड़ा टीस्पून आपको गुड़ या शहद के साथ लेना है सुबह में, और रात में अगर पेट साफ करने के लिए लेना है तो शाम में लीजिए छोटा टीस्पून, हाँ, तो उसे आप शाम में लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी कुछ हम आप लोगों को समझा चुके होंगे और आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो कमेंट कीजिएगा या टेलीग्राम पे आके, इंस्टाग्राम पे आकर मैसेज कीजिए, वहाँ तुरंत जवाब देने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप हमें भी सपोर्ट करेंगे, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपने अपनों का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।